साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हुए हैं बड़े बदलाव। कप्तान रोहित शर्मा ने न चाहते हुए भी दो तीन बड़े बदलाव करने पड़े हैं। जी हम बात कर रहे हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दो टेस्ट मुकाबलों के बारे में। पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया की हार नहीं, एक बहुत बड़ी हार थी। WTC के फाइनल की रेस में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टीम इंडिया को एक पारी और रनों के अंतर से हारना पड़ा है। ऐसे में टीम इंडिया किसी भी हालत में इस दूसरे टेस्ट मुकाबले को जीतकर इस सीरीज को भी बराबरी पर करना चाहेगी और WTC के फाइनल की रेस में खुद को बरकरार रखना चाहेगी। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा ने कहा टीम में बड़े बदलाव होंगे, दो तीन खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा जिसमें बड़े नाम भी शामिल है, उनकी जगह पर नए खिलाड़ियों की एंट्री होगी। तो चलिए जानते हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए क्या है प्लेइंग 11 बदलाव इसे खास रिपोर्ट में। तो जी हाँ, भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मुकाबला जो कि खेला जाएगा 3 जनवरी से, नए साल की शुरुआत में टीम इंडिया उस हार का बदला लेना चाहेगी जो साउथ अफ्रीका ने बड़े ही अंतर से दिया था। और उसके लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा एक नहीं दो नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा बड़े बदलाव करने वाले हैं, जिसकी तस्वीर खुद ब खुद साफ भी हो गई है। और हम आपको बताएंगे दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए क्या है पूरी प्लेइंग 11। चलिए एक एक करके जानते हैं 11 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम यशस्वी जायसवाल का आता है। यशस्वी जायसवाल टेस्ट फॉर्मेट में अपने डेब्यू मुकाबले में तो बहुत ही शानदार खेले थे, लेकिन इन दो टेस्ट मुकाबलों में इनके बल्ले से अब तक वो तेवर नहीं देखने को मिले। न केवल वो पहले टेस्ट की पहली पारी में जहां 37 बॉल पर केवल 17 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे में भी उनका बल्ला बिल्कुल शांत रहा, जहाँ केवल 5 रन बनाने में कामयाब रहे। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिहाज से भी यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी को टीम इंडिया में प्रमोट किया गया और डेब्यूटेंट खिलाड़ियों के तौर पर भी मौका मिला। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू तो पहले ही कर दिया, लेकिन कुल मिलाकर यशस्वी जायसवाल पहले मुकाबले में अपने बल्ले से वो तेवर नहीं दिखा सके साउथ अफ्रीकन सरजमी पर। उम्मीद करते हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले में उनके बल्ले से एक अच्छी शुरुआत टीम इंडिया के लिए देखने को मिले, ताकि टीम इंडिया सीरीज को बराबरी पर लाकर खड़ा कर सके। यशस्वी जायसवाल के साथ में कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है। रोहित शर्मा जो कि 14 बॉल पर 5 रन बनाते हैं। अब कप्तान रोहित शर्मा ने भी पिछले कुछ समय से अच्छी बल्लेबाजी करी है और अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित करते हैं। वनडे वर्ल्ड कप के बाद में पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी के तेवर दिखाने थे, लेकिन वो और दूसरी पारी में बिल्कुल शांत रहे, जहां पहली पारी में केवल 5 रन तो दूसरी पारी में 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से टीम इंडिया कहीं न कहीं दबाव में आ गई थी। रोहित शर्मा को अपने बल्ले से वापसी करनी होगी दूसरे टेस्ट मुकाबले में और अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित करना होगा। एक कप्तानी पारी की उम्मीद रहेगी उस बड़े मैदान पर। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी का खेलना प्लेइंग 11 में तय है। तीसरे पायदान पर नाम शुभमन गिल का आता है। शुभमन गिल खुद को नंबर 3 पर प्रमोट करते हैं। वैसे तो ये ओपनिंग पेयर के बल्लेबाज हैं, लेकिन टेस्ट में नंबर 3 इनका फेवरेट है। खुद इन्होंने अपने आप को नंबर 3 के अनुकूल बताया है, इसीलिए तो यशस्वी जायसवाल को ओपन कराया जा रहा है। लेकिन नंबर 3 पर न केवल वेस्ट इंडीज के खिलाफ बल्कि अब तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इनका बल्ला शांत नजर आया था। ये वो नंबर 3 है जहां पर अजिंक्य रहाणे अक्सर नजर आते थे, चेतेश्वर पुजारा अक्सर नजर आते थे, लेकिन यहां पर नंबर 3 पर पहली पारी में भी और दूसरी पारी में तो हालांकि एक छोटी पारी 26 रन की जरूर खेली थी, लेकिन अब शुभमन गिल को नंबर 3 पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी दूसरे टेस्ट मुकाबले में, काफी अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित करना होगा। तो यहाँ पर शुभमन गिल भारत की नंबर 3 पोजीशन पर नजर आने वाले हैं। नंबर 4 की बात करते हैं तो नाम विराट कोहली किंग कोहली का आता है। विराट कोहली ने तो बल्लेबाजी से अपने हर किसी को प्रभावित किया है, भले ही पहली पारी में 38 रन की पारी जिसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन विराट कोहली की वो इम्पैक्टफुल पारी थी। और दूसरी पारी में विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बहुत बड़ी पारी खेली जो कि 76 रन की पारी थी, जो कि 82 बॉल पर आई थी, यानी 92 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी, एक छक्का भी लगाया, 12 चौके लगाए। विराट ने पूरी कोशिश करी कि वो एक पारी से तो न हारे, लेकिन वैसा कर न पाए। विराट कोहली 76 रन पर आउट हुए। हालांकि विराट कोहली को कुछ ऐसी ही पारी की उम्मीद दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी रहने वाली है, क्योंकि विराट कोहली उम्दा बल्लेबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेस्ट फॉर्मेट के आक्रामक बल्लेबाज भी कह सकते हैं जिस तरह से इन्होंने दिखाया है। अब अगर नंबर